आप सबको स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 23 जून के श्रोताओं की रिकॉर्डिंग, ये आप सुन पाएंगे आज शाम तक, शाम के 7:30 या 8 बजे तक। तो परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हमारा जो चेहरा जो है, जो कि दर्पण है हमारे मन का, बुद्धि का, वो हमेशा खुशी रहे, ना कि खुश्क रहे, मतलब कि सूखा हुआ रहे। तो ये होता कैसे पॉसिबल, इसको हम समझेंगे। परमात्मा हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं आज, अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन की शक्तियों, आत्मा यहाँ है, चेहरे पे सब दिखाई देता है कि आत्मा के मन में क्या चल रहा है, मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले योगी तू आत्मा भवा। मतलब कि कोई भी सिचुएशन आ जाए लेकिन आप उदास नहीं, आप हमेशा खुश। जो मन में होता है उसकी झलक मस्तक पर जरूर आती है। जो मन में होता है, मन में जो संकल्प आते हैं क्वालिटी के, क्योंकि आत्मा जो संकल्प कर रही है वो मन को अलाउ करे कि तुम अच्छा सोचो या बुरा सोचो, ये आत्मा के ही कंट्रोल में है। और अगर ज्ञान है कि कौन सी बातें देह भी मान की हैं, कौन सी बातें आत्मा भी मान की हैं, तो आत्मा बोलती है मन को, बुद्धि को, नहीं ये नहीं सोचना, इसको विजुलाइज नहीं करना, ये ठीक है ये सोचो, ये ठीक है परमात्मा ने बोला, ये ठीक है सोचना, इसको विजुलाइज करो। फिर तो ये सब कुछ चलता है मन के अंदर, और जो मन के अंदर चलता है वो दर्पण पे आ जाता है, चेहरा चेहरा मतलब आईना हो गया। तो जो मन में होता है उसकी झलक मस्तक पर जरूर आती है। ऐसे नहीं समझना कि मन में तो हमारे बहुत कुछ है, लेकिन मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है, मुखड़ा देख ले प्राणी। कितना भी आप कहो हमारा योग तो बहुत अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं ब्रह्म कुमारी की हमारा तो मेडिटेशन हमेशा चलता रहता है, बहुत अच्छा योग लगता है, हम तो आराम से अमृत लगते हैं, हम सदा खुशी में नाचते हैं, कितना भी कहो, लेकिन चेहरा उदास देख कोई नहीं मानेगा। अगर आपका चेहरा उदास है, गंभीर नहीं, गंभीर अलग बात है, गंभीर मतलब कि आप गहराई से सोच रहे किसी चीज के बारे में, उदासी से नहीं, गंभीरता से सोच रहे हैं, मानेगा। पा लिया इस खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दी, क्या पा लिया, परमपिता परमात्मा को जो हमने 63 जन्म याद किया और उन्होंने आकर के हमें जो ज्ञान दे दिया तो हमने उनको पा लिया। ज्ञान ही परमात्मा है, परमात्मा कोई फिजिकल चीज नहीं है जो कि आप अपने घर में रख लेंगे तो आपने उस चीज को पा लिया। परमात्मा का जो ज्ञान है वही है उनकी निशानी। तो ज्ञान पा लिया मतलब परमात्मा को पा लिया इस खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे, तब दिखाई देगा कि आपके चेहरे पे जो है, जो चमक होती है रूहानियत की, वो ही बताती है कि आप कितने खुश हैं। खुशक चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशक चेहरा मतलब सूखा हुआ चेहरा नहीं दिखाई दे, उदास चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे, तब कहेंगे योगी तू आत्मा। तो आज आप ये समझ गए होंगे कि स्पिरिचुअल लाइफ में फेक इट टिल यू मेक इट नहीं हो सकता, मतलब कि आप फेक नहीं कर सकते कि आप बहुत खुश हैं, ये फेक नहीं कर सकते कि आप बड़े योगी हैं, मतलब कि आप सफेद कपड़े पहन कर भी ये नहीं कह सकते कि भाई हमने सफेद कपड़े पहने हैं, हमने यहाँ बैच पहना हुआ है तो हम बहुत ही योगी आत्मा हैं, ये अथॉरिटी नहीं है। उल्टा बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जब आप सफेद कपड़े और बैच लगाते हैं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप सारे विश्व के सामने आप एक उदाहरण वर्ग बन जाते हैं और आप कभी उदास दिख नहीं सकते। ये सब कुछ सिखाया जाता है ब्रह्म कुमारी, इसमें आप भी आकर के सीखिए कि कैसे खुशक से आप खुशनुमा चेहरे की तरफ जा सकते हैं। शांति इसके साथ।